हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक टू पार्ट रीडिंग, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपको और आपके पर्सन को 8/8 के पोर्टल पे कौन से ट्रिगर्स मिलने वाले हैं और क्या हीलिंग आप लोग इस पे कर सकते हो। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो सबसे पहले अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनके और आपके साइड बाय साइड देखेंगे, और सेकंड पार्ट में कमिटेड वालों के लिए देखेंगे, और दोनों रीडिंग्स जो कि है आज ही पोस्ट होंगी। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंगल वाले डीएम्स के साथ। तो अगर आपके डीएम जो है सिंगल है, और मैं आप लोग के लिए एक्स्ट्रा चार्म्स भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस रीडिंग को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देख पाओ, और मैं ज़्यादा डिटेल में इसको बना भी रही हूँ। तो चलिए गाइज देखते हैं, अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनको इस 8/8 के पोर्टल पे क्या ट्रिगर्स मिलने वाले हैं और क्या होने वाला है 8/8 के बाद आप सबके लिए। ठीक है, ओके। तो पहले डीएम का देखेंगे, फिर डीएफ का देखेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके डीएम को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है 8/8 के पोर्टल के दिन। वो इस कनेक्शन को पास्ट में देखेंगे कि आपका कनेक्शन मतलब ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया, तो रोना धोना भी आएगा उनको। प्लस उनको अपनी मॉम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मुझे छुप छुप के ये कनेक्शन रख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिखाई देंगे ये पर्सन। इनको ऐसे लगेगा कि इनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि आपके साथ नहीं रहना है और आपसे बात नहीं करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं घर वाले ही किट किट कर रहे हैं और लव मैरिज के खिलाफ जा रहे हैं, और इस प्रोसेस में वो आपको भी हर्ट कर रहे हैं, खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, और उनके घर वाले किसी और के साथ उनकी शादी देख रहे हैं, वो भी चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है इस समय पर। तो आप अगर सिंगल हैं तो आपके डीएम अगर सिंगल है तो ये सब ट्रिगर्स उनको हो रहे हैं। चलिए गाइज उनकी चक्रा चेकअप कर लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ लेकर जाएगा इस जर्नी को। तो सिंगल वालों की डीएम्स की चक्रा चेकअप कर लेते हैं। ओके, आपके डीएम जो है अकेले ज़्यादा समय बिताएंगे, आपके साथ भी बात नहीं करेंगे, आपको भी क्लैरिटी नहीं देंगे, और ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। आपके पर्सन को आपको लग सकता है कि मेरे पर्सन मुझे अकेला क्यों छोड़ दे रहे हैं, गोस्ट कर दे रहे हैं, और अपने काम पे ही फोकस कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। अचानक से 8/8 पोर्टल में क्या हो गया, क्योंकि पहले तो सब ठीक था, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, अचानक से कैसे बदल गया ये इंसान। चलिए गाइज देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको 8/8 के पोर्टल पे। आई लव यू सो डीपली दैट आई फियर लूजिंग यू। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको खोने से भी डरते हैं। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। तो गाइज ये भी क्लियरली बताया जा रहा है कि आपके डीएम बोल रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी माँ की तरफ, और ये सब इस वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। आई गेट बर्नड बाय माई हार्श वर्ड्स। तो वो जो आपको रूड चीज़ें बोलते हैं, आपको दूर कर भगाने की कोशिश करते हैं, उनसे उनको भी चोट पहुँचती है। ठीक है, ये जो है आपके डीएम की एनर्जीज है इस समय पर। अब आपकी ट्रिगर्स देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हो इस पोर्टल में, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर फील कराए और आपको थोड़ा सा लाइक यू नो होप आए और थोड़ी सी लाइफ हल्की हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क और इस एनर्जी में आपके डीएम जा रहे हैं। तो देखते हैं कि 8/8 पोर्टल में अगर आपके डीएम सिंगल है तो आपको क्या ट्रिगर्स मिल सकते हैं। ओके, तो आपको ऐसे ट्रिगर्स मिल सकते हैं कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, मतलब मुझे धोखा दे रहा है, आपको रात को नींदें नहीं आएंगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप उनसे ये मुझसे बात करके मुझे बताए कि क्या बात है, अभी के अभी बताए कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ही मुझे शांति मिलेगी। आपके पर्सन आपको जब तक क्लैरिटी नहीं देंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि आपको धोखा दे रहे हैं, और आपको फियर्स, एंजाइटी, इल्यूशन ये सब क्रिएट किया जाएगा 8/8 के पोर्टल में।
आई होप अभी मैं आपको बता रही हूँ तो ये चीज़ आपको जो है कम अफेक्ट करेगी और आप लोग कम इस चीज़ पे ध्यान दोगे। मैं तो ये कहती हूँ गाइज, आप लोग पूरा दिन कहीं और निकल ही जाओ घर से, घूम फिर आओ और छोड़ दो ये बातें कि मेरे डीएम मुझे क्यों मैसेज नहीं कर रहे, क्यों ये नहीं कर रहे। कल आठ आठ के दिन बस अपने आप पे फोकस रहो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, मूवी पे चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इस दिन पे खाली मत बैठे रहना। यही आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स है और एम्पैथी, आपको जो है ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई तो आपकी मन की बात सुने, कोई तो आपके मन की बात समझे, कोई तो मतलब समझे कि आप कितनी तकलीफ से गुजर रहे हो। आपके डीएम भी आपके लिए फील नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम को भी आप पे तरस नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट क्रैप। तो मैं क्रैप ही बोलूँगी गाइस, क्योंकि आपकी ट्रिगर्स है और कहीं ना कहीं ये आप लोगों को कैसे ठीक करनी है वो मैंने बता दिया है। घर से निकल जाइए, पूरा दिन पिकनिक पे चले जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस दिन को अब खाली मत बैठिएगा, ठीक है। तो गाइज आज की जो सेकंड पार्ट ऑफ रीडिंग है इसके 5 मिनट बाद आ जाएगी। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।